वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग जॉब सीकर। दोस्तों आपके लिए आज वैकेंसी लाए हूँ पुणे लोकेशन पे आरएसबी ग्रुप मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, आईटीआई किया है तो भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आरएसबी ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है जो ट्रांसमिशन सिस्टम्स के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। आप उनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हो rsb.com पे। तो दोस्तों प्रोपेलर शाफ्ट, एक्सल और ट्रांसमिशन कंपोनेंट, एल्युमिनियम कास्टिंग, फेरस कास्टिंग, रनिंग गियर सिस्टम, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एग्रीगेट्स और फॉर्जिंग, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। अगर आपको इस कंपनी के बारे में जानना है तो आगे वीडियो देखिए। हम जाते हैं naukri.com पे और वहाँ पे इनकी वैकेंसी निकली है, वो हम देखते हैं। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। ठीक है गाइस, हमने कंपनी के बारे में तो जान लिया है कि कैसी कंपनी है, क्या प्रोडक्ट बनाती है। तो हम अब देखेंगे दोस्तों कि हमें अप्लाई कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले naukri.com की वेबसाइट है, आप उस पर रजिस्टर कर सकते हो और उनका ऐप भी, वहाँ पे आप ऐप पे अपनी इंफॉर्मेशन फिल करके आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको naukri.com पे कैसे फॉर्म फिल करना है ये आपको मालूम नहीं, कैसे प्रोफाइल बनाना है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको एक हर दिन नेक्स्ट वीडियो में आपको naukri.com पे पोर्टल बना के रखूँगा। अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है तो, अगर आपको मालूम है कैसे बनाना है तो नो नीड, क्योंकि मैं यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए ही ये चैनल को ओपन किया हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में जॉब की दे दी है, आप डायरेक्ट क्लिक करके इस पेज पे रन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, 0 to 3 years का आपको एक्सपीरियंस होगा तब भी आप इसके अप्लाई कर सकते हो, अगर आप फ्रेशर हो तब भी इसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 50 vacancies है और यहाँ पे भुवनेश्वर, पुणे और इंदौर, पुणे की जो वैकेंसी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन है, अर्जेंटली रिक्वायर फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस सीएनसी वीएमसी मशीन ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे सीएनसी वीएमसी ऑपरेटर्स लगेंगे, डिप्लोमा, बीटेक, ऑटोमोबाइल सब, मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों बी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं आपको बता दूँ बी स्टूडेंट को आपको मशीन पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हो चुकी है सारी कंपनियों की, सभी बीटेक वाले को ऑपरेटर इंजीनियर बनाया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा बुरी बात है बीटेक वालों के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ काम नहीं मिल रहा है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस हो सकते हैं इस कंपनी में। तो प्रोफाइल आपकी रहेगी दोस्तों ट्रेनी इंजीनियर की, डिपार्टमेंट आपका रहेगा प्रोडक्शन और असेंबली डिपार्टमेंट में आपको काम दिया जाएगा। तो यहाँ पे सैलरी आपको 12 से 13,500 तक जा सकती है, अगर आप डिप्लोमा हो तो 12,000 और इंजीनियरिंग की हो तो 13,500 तक आपको जा सकती है। तो 8 hours के आपको ड्यूटी रहेगी, 3 shift रहेंगी, 3 shift आपको मालूम है फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट हर एक कंपनी में होती है, वैसे ही 8 hours की 3 shift में आपको रोटेशनल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। और बस कैंटीन फैसिलिटी आपको यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे मेल और फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे फ्री का जॉब है। तो दोस्तों अगर आपको HR के नंबर चाहिए तो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, आप वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे जाके कैसे फॉलो करेंगे। तो आपको मैं मोबाइल नंबर्स वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर दूंगा इन एचर्स का, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है आप डायरेक्ट एचर्स को कांटेक्ट कर सकते हो, पर ऑफिशियल टाइम पे ही आपको उनको कांटेक्ट करना है, कभी भी रात को सुबह कभी भी कॉल मत कीजिए, क्योंकि हम फिर नंबर नहीं प्रोवाइड करेंगे आपको, क्योंकि बार बार स्टूडेंट लोग कॉल करते हैं, इनको भी परेशानी होती है, तो वो बोलते हैं कि नंबर किसी को प्रोवाइड मत करो, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है हमारे लिए। तो यही है, अगर किसी को सीरियसली जॉब करना है, अगर आप पुणे में है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं आपको, आप मुझे फॉलो करके रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको HR के नंबर सेंड कर दूंगा। बड़ी सिंपल सी बात है। इंटरव्यू का एड्रेस है दोस्तों यहाँ पे RSB ट्रांसमिशन लिमिटेड, गेट नंबर नगर रोड, सानसवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र, या ये जो एड्रेस है यहाँ पे आपको जाना होगा और डायरेक्ट इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो। इंडस्ट्रियल टाइप है दोस्तों ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग पे, रोल पे, ये तो हमने सब कुछ देख लिया है। हाँ दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रिक्रूटमेंट तो आपकी होने वाली है, वैसे मैंने सारी डिटेल बता दी है, एक सैलरी कितनी रहने वाली है, क्या हुआ, सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया है, पर हम यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते कि ये जॉब फ्री में है या नहीं, पर मुझे लगता है कि ये जॉब फ्री का है। आप कंपनी को कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं एचआर को नंबर दे रहा हूँ, अगर आपको कोई पैसे की मांग करता है ज्वाइन करने के लिए तो बिल्कुल भी 1 rupee भी मत दीजिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड लोग पुणे में है, जो कंसल्टेंसी है वो फ्रॉड करते हैं, मैंने बोल रहा हूँ कि सारी कंसल्टेंसी वैसी है कुछ,
तो आप बच के रहिए। अगर आप पुणे में हो तो जाइए डायरेक्टली गेट पे जाइए कंपनी के, और वहाँ पे आप रिक्रूटमेंट भी पूछ सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अप्लाई बटन दिख रहा होगा दोस्तों, मैं अभी रोटेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए, आपको ईमेल वगैरह सब कुछ आ जाएगा और मैं कॉन्टैक्ट भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ इंस्टाग्राम पर। तो ठीक है दोस्तों, तो ये बातें ध्यान पे रखना और 1 रुपया भी किसी को मत देना, क्योंकि हम फ्री में जॉब प्रोवाइड करते हैं आपको यूट्यूब पर, और हमारे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे पेज है, टेलीग्राम पे ग्रुप है, वो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे भी जुड़ जाइए, आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सी सिंपल सी बात है, और हम पहले से डिस्क्लेमर दे देते हैं कि यहाँ पे कोई भी पैसों का कुछ भी कांड नहीं चलता है, आपको फ्री जॉब्स प्रोवाइड करते हैं और हेल्प करना हमारा काम है। तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी। तो देखिए दोस्तों, इंस्टाग्राम पर आपको फॉलो कैसे करना है, आपको जो सामने दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा पेज है, इस पेज पे जाइए और आपको इंजीनियरिंग जॉब सीकर्स भी सर्च करेंगे तब भी चलेगा, और यहाँ पे आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हो और उस पर रिक्वेस्ट कीजिए, यानी कि फॉलो बटन दबाइए, रिक्वेस्टेड हो जाएगा और मैं यहाँ पे एक आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नए जॉब के साथ नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, और कोरोना से बच के रहिए, मास्क का यूज़ करिए, सैनिटाइजर का भी यूज़ बार बार करते रहिए।